अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो,
रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनेद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने ज़रार को अपना बना लिया है। वो कभी भी मेहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा? समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने ज़रार को अपना बना लिया है। वो कभी भी मेहर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा? समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने ज़रार को अपना बना लिया है। वो कभी भी मेहर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई।
जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि जरार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने जरार को अपना बना लिया है। वो कभी भी मेहर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ जरार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। जरार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि जरार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने जरार को अपना बना लिया है। वो कभी भी मेहर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ जरार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। जरार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि जरार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने जरार को अपना बना लिया है। वो कभी भी मेहर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे
कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है,
मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए।
उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि जरार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने जरार को अपना बना लिया है। वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ जरार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। जरार आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि जरार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने जरार को अपना बना लिया है। वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ जरार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। जरार आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि जरार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा महर ने जरार को अपना बना लिया है। वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ जरार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया।
ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा? समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी मेहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी मेहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूं, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार, आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है? वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने मेहर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार मेहर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? नहीं, जुनैरा मेहर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी मेहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी? नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है। वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी। नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महर यही सोचती है कि आखिर मेरे साथ ज़रार इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि मैं उनसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जुनैरा के लगाए गए इल्ज़ाम की वजह से उन्होंने मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, मैं तो इस बात का यकीन भी नहीं कर सकती थी। ज़रार आपने तो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे, ये कहा था कि आप मुझे कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब ये सब क्या है। वो शख्स जो मुझे खोने से बेहद खौफज़दा था, अब मुझसे दूर होने के बाद एक दफ़ा भी मुझे नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। गलती मेरी है जो कि मैं जुनैरा की बातों में आ गई। जुनैरा ने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं उसकी चालों को समझ ही नहीं पाई। ये जान नहीं सकी कि वो तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उधर अगर बात करें सुमैया की, जो जुनैरा से कहती है कि जुनैरा तुम इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती हो, ये सब करते हुए तुमने रहेल के बारे में ज़रा नहीं सोचा। समरा और रहेल के दरमियान रवैये के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो, रहेल अब समरा को किसी सूरत इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जुनैद पर तुमने महर की वजह से झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है कि ज़रार महर को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। नहीं, जुनैरा महर ने ज़रार को अपना बना लिया है, वो कभी भी महर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुनैरा कहते हैं कि आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से जीने दे सकती थी। नहीं, एक एक को हिसाब देना होगा, अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। जी हां दोस्तों, ये सब कुछ आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।